जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जो हम मुंतकिल हुए हैं, उसका अभी मुजाहरा आपने देखा है कि ये ITI फ्रेट ट्रेन का आज उसका आगाज़ हुआ है, और इससे मैं समझता हूँ कि इस खत्ते में तजारत को फ़रोग मिलेगा और ये रीजन आपस में कनेक्ट होगा। लोगों में बेपनाह पॉलिटिकल गुडविल पहले ही मौजूद थी, अब उस पॉलिटिकल गुडविल को हम ट्रांसलेट कर रहे हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के साथ, और इससे यहाँ की आवाम, ईरान की आवाम, तुर्की की आवाम और पूरा जो सेंट्रल एशिया का जो हमारा विज़न है कनेक्टिविटी का, रीजनल कनेक्टिविटी का, वो फ़रोग पाएगा। जैसे पहले कहा गया कि इस वक्त हमारी इंट्रा रीजन ट्रेड जो है वो सिर्फ 8% है और इसमें बेपनाह इजाफे का इम्कान मौजूद है। ऐसे प्रोजेक्ट्स उसको हकीकत का रंग दे देंगे और ये आज बड़ी अच्छी इब्तदा है और मेरी दुआ है कि अल्लाह से कामयाब करे। खत्ते में अगर अफगानिस्तान का मामला, यहाँ पे जो दहशत गर्दी वाला मामला तो अब नहीं रहा, अगर इंसर्जेंसी ख़त्म हो जाए तो ये यूरोप तक नहीं आए। ये देखिए, ये इब्तदा है और तुर्की से आगे यूरोप जाता है और यूरोप से तुर्की कनेक्ट होता है, तो इंशाल्लाह ये यूरोप तक भी जाएगी। और आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान पे भी आपने देखा कि 19 तारीख को जो एक कॉन्फ्रेंस हुई उससे एक इशारा मिला, और सारी उम्मा थी, दीगर ममालिक थे और सबकी ख्वाहिश ये थी कि अफगानिस्तान में अमन हो, इस्तेकाम हो, ताकि उसके ज़रिए भी जो हमारी सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी है उसमें इजाफा हो, तजारत को फ़रोग मिले, और मैं पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह ऐसा होगा। अब उस कामयाब इजलास के बाद जिस पे हमने अफगानिस्तान पर फोकस किया, उनकी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पर फोकस किया, उनकी मईशत को मुस्तहकम करने के लिए फोकस किया, आज का ये जो जो इनॉग्रल सेरेमनी है जो ITI फ्रेट ट्रेन की, ये बहुत खुशाइंद एक इब्तदा है जिससे कि इस खत्ते की तजारत में इजाफा होगा, आमदोरफ्त में इजाफा होगा और लोगों के लिए, तजारत के लिए और इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए नए मौके पैदा होंगे। तो ये आज जो 750 टन का पहला ये जो खेप गई है, ये अच्छी इब्तदा है और वक्त के साथ साथ इसमें इसके बढ़ने के इम्कानात मौजूद हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, इसके बाद पैसेंजर ट्रेन चलाने का कोई है इरादा? खुदा करे, अल्लाह इस पे कामयाबी दे, और इंशाल्लाह जैसे जैसे टूरिज्म की ख्वाहिश बढ़ रही है, रिलीजियस टूरिज्म की और दूसरे टूरिज्म की, तो ITI पैसेंजर ट्रेन के इम्कानात भी मौजूद हैं। जी थैंक यू जी। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगी जब तजारत में इजाफा होगा, और ये उसका एक अमली नमूना है जो आज पाया तकबील को पहुंचा है। तो मैं आदम स्वाती साहब को, इनके महकमे को, इनकी पूरी टीम को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। सर पोटेंशियल कितनी है? जरा दाऊद साहब थोड़ा सा पोटेंशियल कितनी है? तो मेरे लिए तारीखी वाक्य है, हमें रेलवे कनेक्शन हो रहा है और इसके साथ थोड़ा मोबाइल पीछे कर हमारी जो ट्रेड बढ़ेगी और सारे रीजन के लिए। पोटेंशियल कितना है? पोटेंशियल रेस, पोटेंशियल तो बेहद डिमांड है, जिसकी कोई हद नहीं, डिमांड है बेहद, बड़ी मेहरबानी हुई वो आगे नहीं बढ़ सकी। अब हमारी हुकूमत ने इसकी अहमियत को, अफादियत को समझते हुए इस खत्ते को जोड़ने के लिए, तिजारत को फ़रोग देने के लिए इसको दोबारा उसको रिज्यूम किया है और मुस्तकिल बुनियादों भी, इंशाल्लाह मुस्तकिल बुनियादों भी किया है, और आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं और ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है, और इस पार्टनरशिप से इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, और ये बड़ा, मैं तो इस पर बहुत पुरुमीद हूँ कि बड़ा ये कामयाब होगा प्रोजेक्ट, पहुँचेगी इस्तांबुल पहुँचेगी, इससे इन तीनों मुल्कों के दरमियान तजारत को फ़रोग मिलेगा और अल्टीमेटली जो है ये ट्रेन और ये जो फ्रेट गुड्स हैं ये यूरोप भी जा सकती हैं और उसके इम्कान मौजूद हैं। खुदा करे इसमें कामयाबी हो तो एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि ITI पैसेंजर ट्रेन भी चल जाए, तो उससे हमारा जो खत्ता है उसकी कनेक्टिविटी में, डिजिटल कनेक्टिविटी में ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अहम किरदार अदा करेंगे। देखिए जब ECO का तस्वर आया था तो उस तस्वर के पीछे यही सोच थी कि इस खत्ते को आपस में जोड़ा जाए। इंट्रा रीजनल ट्रेड अभी हमारी 8% पर है, इसके बढ़ने का बेपनाह जो कहते हैं ना इम्कान मौजूद है। तो जब ये
ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ईसीओ में जान डालेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज का दिन बहुत मुबारक दिन है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। ट्रेन की इम्पोर्टेंस से तो इनकार किया नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे खत्ते में इंट्रा रीजनल जो ट्रेड है वो महदूद थी, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि कनेक्टिविटी नहीं थी, रेल लिंक्स नहीं थे, एयर लिंक्स नहीं हैं, रोड लिंक्स का फुकदान था। और अब जब वो बहाल हो रहे हैं, ये जो ट्रेड कॉरिडोर जो है, ये जो इस्टेब्लिश हो रहा है, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर हमारा बन रहा है, जिससे इंशाल्लाह गवादर पोर्ट भी इस खत्ते की तजारत में अहम किरदार अदा करेगा, तो इससे उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगी, लोगों के ताल्लुकात में इजाफा होगा, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, तजारत बढ़ेगी, और रीजनल ट्रेड के साथ साथ हम इन्वेस्टमेंट्स को भी अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान का जो विजन है फॉरेन पॉलिसी का, शिफ्ट फ्रॉम जियोपॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स, ये उसके ऐन मुताबिक है, और आज आपने देखा कि उस विजन को एक अमली जामा पहनाया गया। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ मिनिस्टर रेलवे को, इन्होंने एक मंसूबा जो अरसे से जेर गौर था उसको अमली जामा पहना दिया, और मुझे उम्मीद है कि इससे जो रजाक दाऊद साहब अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं इन्हें आसानी होगी, क्योंकि जब सामान तो है, ज़रूरियात भी हैं, बहुत से गुड्स हैं जो वहाँ से यहाँ आ सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो इससे मुल्क में माशी तौर पर भी खुशहाली आएगी, इससे काम आएगा, तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। हाँ बिल्कुल, सिर्फ एक सिर्फ आखिरी बात मैं करना चाह रहा हूँ, क्या पैसेंजर ट्रेन भी यानी मुसाफरों के लिए भी ट्रेन चलेगी या सिर्फ ट्रेन तक महदूद है? ये इब्तिदा है, और खुदा करे अल्लाह इस पर कामयाबी दे तो अगले मरले में बिल्कुल ITI पैसेंजर ट्रेन के इम्कान भी मौजूद हैं। बिल्कुल, और चूँकि दहशतगर्दी की फ़ा अब तो खैर बहुत सारा पाकिस्तान ने कंट्रोल कर लिया, सिक्योरिटी के हवाले से कुछ चीज़ें हैं ऐसी कि इस ट्रेन के लिए चीज़ें रास्ते? मैं समझता हूँ जिस रूट पे ये जा रही है उसमें तो सिक्योरिटी का इशू ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इंशाल्लाह सिक्योरिटी की इन्वायरमेंट भी आप देख रहे हैं कि पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है और मज़ीद बेहतरी के इम्कान हैं। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं इस वक्त ट्रेन के लिए यहाँ पे